हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज़ हर्षित शर्मा एंड वेलकम टू अनदर कॉलेज रिव्यू वीडियो। हम अभी तक काफ़ी सारे कॉलेजेस के रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। हमने AKTU के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिव्यू की प्लेलिस्ट और IPU के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रिव्यू प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। आप आई बटन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। सो इस वीडियो में हम देखेंगे KNIT में कौन कौन से हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ का फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अगर आप चाहें तो KNIT में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, देखेंगे इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट्स कैसी रहती हैं और पिछले साल की JEE मेंस की कट ऑफ कितनी रही थी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ इंस्टीट्यूट ओवरव्यू। ओवरव्यू के लिए KNIT सुल्तानपुर इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। सो रिलेटिवली काफ़ी ओल्ड कॉलेज है, एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा है KNIT सुल्तानपुर का। लोकेशन ऑब्वियसली सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ही है। इंस्टीट्यूट टाइप है गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट टाइप इंजीनियरिंग कॉलेज है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से ये अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स दूर है। अब यार बात करते हैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सारी की सारी ब्रांचेस अलॉन्ग विद देयर सीट इनटेक यहाँ पर शो कर रखी हैं। और फॉर द डेटा, ये डेटा हमने उठाया है KNIT की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो दिस इज द ऑफिशियल डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो अ टोटल ऑफ 6 ब्रांचेस आर प्रेजेंट। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा यहाँ पर कोर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग भी प्रेजेंट हैं। हर ब्रांच में जो सीट इनटेक है वो है 60 स्टूडेंट्स और 3 और 4 जो आप ये स्टार वाले देख रहे हैं ये हैं फी वेवर वाले स्टूडेंट्स। सो अ टोटल ऑफ अराउंड 360 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एट KNIT सुल्तानपुर। दैट वाज अबाउट कोर्सेज। अब देखते हैं यार KNIT सुल्तानपुर में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सो एडमिशन प्रोसेस की बात करें, मोड ऑफ एडमिशन रहने वाला है UPSEE या फिर AKTU काउंसलिंग के थ्रू। यानी कि अगर आपने JEE मेंस एग्जाम दिया है और आपके पास JEE मेंस की रैंक है, आप UPSEE काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे कि आपको KNIT सुल्तानपुर अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपनी वेबसाइट पर भी अभी लिख रखा है एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। पर जनरली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 70% आपकी 12th में परसेंटेज होनी चाहिए अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एज योर मेन सब्जेक्ट्स। और जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी तो इंस्टीट्यूट आपको एक डेट प्रोवाइड करेगा, उस डेट को आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा अपना एडमिशन फाइनलाइज करने के लिए। अब यार बात करते हैं KNIT सुल्तानपुर में हमारा फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट ईयर। सो यहाँ पर BTech फर्स्ट ईयर और BTech लेटरल एंट्री का फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और अलॉन्ग विद द हॉस्टल फी एंड हॉस्टल चार्जेस आपको फर्स्ट ईयर में 89,350 फी पे करनी होती है फॉर योर फर्स्ट ईयर। और फी वेवर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फीस है 34,350 रुपीज़। अगर हम बात करें BTech सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स की, सो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं BTech सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स का फी स्ट्रक्चर। सो सेकेंड ईयर में आपको पे करनी होती है 82,850 रुपीज़, थर्ड ईयर में भी सेम है और फाइनल ईयर में है 83,350 रुपीज़। फी वेवर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फी है 27,850 रुपीज़ सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए, और फाइनल ईयर के लिए है 28,350 रुपीज़। अब देखते हैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। सो प्लेसमेंट्स के लिए हम ऑफिशियल डेटा हम यूज़ करने वाले हैं जो कि KNIT.ac.in KNIT की ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्हीं पर इन्होंने दे रखा है। सो मूव ऑन करते हैं वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ KNIT सुल्तानपुर, KNIT.ac.in। यहाँ पर हम इनकी प्लेसमेंट्स देखते हैं। सो प्लेसमेंट पर जाते हैं और यहाँ पर आप ये थर्ड नंबर पर देख सकते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इसको आप व्यू करेंगे। सो ये PDF है और यहाँ पर प्रीवियस 4 ईयर्स के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं KNIT सुल्तानपुर के। ब्रांच वाइज ये डिवाइडेड हैं। सो सबसे पहले है CE, सिविल इंजीनियरिंग है। आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिज्म जॉनसन कंपनी में गए हैं। बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट की, और ये लिस्ट प्रीवियस 4 ईयर के प्लेसमेंट की है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स TCS में गए हैं, TCS निंजा में प्लेस हुए हैं और TCS डिजिटल में भी। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ आप देख सकते हैं TCS है, विप्रो है, TCS निंजा भी है
और ली ग्रैंड और HCL में भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स KNIT से प्लेस हुए हैं। अब देखते हैं KNIT सुल्तानपुर का पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा था, JEE मेंस की क्लोजिंग रैंक क्या थी। सो इसके लिए भी हम ऑफिशियल डेटा का यूज करने वाले हैं जो कि admissions.nic.in पर गिवन है। सो दिस इज द वेबसाइट और आप इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो प्रीवियस ईयर की किसी भी कॉलेज की कट ऑफ देखने के लिए। सो यहाँ हमने फिल्टर आउट कर लिया है राउंड 3 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ फॉर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। और आप यहां देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दो कोटाज हैं, ऑल इंडिया कोटा भी है और होम स्टेट कोटा भी है। हम यहां पर ऑल इंडिया और होम स्टेट दोनों कोटाज देख रहे होंगे। मैं अगेन बता देता हूं, दिस इज द कट ऑफ फॉर राउंड 3 एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो प्रीवियस ईयर में गई थी 46,000 तक, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लोजिंग रैंक थी 56,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक थी 65,000, और जो बाकी कोर ब्रांचेज हैं उनमें जो क्लोजिंग रैंक है वो अराउंड 80,000 और 1,00,000 तक भी गई है। ये था ऑल इंडिया कोटा की बात। अब देखते हैं होम स्टेट कोटा में कितनी क्लोजिंग रैंक्स गई थी। सो होम स्टेट कोटा की रैंक्स यहाँ पे हैं, थोड़ी नीचे दी हुई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए जो क्लोजिंग रैंक गई थी 52,000 तक भी गई थी, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ही डोमिसाइल है आपका और आप KNIT में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो अगर आपकी रैंक 50K तक भी है तो भी आप यहाँ CS में एडमिशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पिछले साल की कट ऑफ गई थी 60,000 तक भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 75,000 तक। होम स्टेट के लिए हैं ये कट ऑफ्स। और जो कोर ब्रांचेज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है, इनकी 91,000 और वही 1,00,000 के अबव रही है क्लोजिंग रैंक पिछले साल की। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, वेदर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन UPSEE काउंसलिंग और जोसा या CSAB, आपको अगर कोई भी डाउट है सो आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड करा है, उसे आप फिल आउट कर सकते हैं, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो लाइक दिस वीडियो एंड गेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट कॉलेज रिव्यूज लाइक दिस। इसके अलावा आप हमारी शॉर्ट कॉलेज रिव्यूज इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, सो फॉलो अप करियर किक JEE ऑन इंस्टाग्राम।